आगे ना आगे पहले रिंग भी टेप करने का ना नहीं टेप तो शायद इस वक्त नहीं कर लो है त्यागी तो करो पहले करके देख लेंगे ठीक है जी ठीक है जी पहले तो आप ऐसा बोल दें विश्वनाथ जी ओम। अब इसी मंत्र का पद पाठ आप सुने ओम। अब इसके पश्चात इसका क्रम पाठ सुने तीन प्रकार की संहिता होती है एक तो आर्षी संहिता पद संहिता और क्रम संहिता क्रम तक संहिता ही समझना है इन तीनों पाठों का तो क्रमशः आरण्यक में वर्णन है कि किन प्रयोजनों से इनके पारायण करने चाहिए उसका फल क्या है इत्यादि। अब इसके पश्चात विकृति पाठ आता है और विकृति पाठ जटा पाठ से प्रारंभ होता है और आठ प्रकार की विकृतियां हैं वेद की। उन विकृतियों में अंतिम विकृति घन पाठ की विकृति है तो घन पाठ की विकृति का यही मंत्र जातवेद से सुनवाम सोमम अब आप श्रवण करें। अब उसके पश्चात एक ही बात अब कोर्से जी और बंशीधर जी एक मंत्र का इसी दर कर से पहले पाठ फिर संगीता पाठ फिर पद पाठ फिर गंगा पहले भी आपने की दफे जिसका संहिता पाठ होने जा रहा है।
पदपाठ हो रहा है। पद का तात्पर्य होता है कि पद्यते ध्यायते अर्थो नैन तत्पदम, जिसके द्वारा अर्थगम्य होता है उसको पदपाठ कहते हैं। अब इसी मंत्र का पदपाठ होने जा रहा है। इखे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्व देवः वाः सविता प्रपदपायतु श्रेष्ठ तमाय श्रेष्ठ तमाय कर्मणे आप्याय ध्वम अग्न्याः एराय भारम प्रजावती प्रजावती आनमीवा का क्रम पाठ होने जा रहा है। दो दो पद की संहिता इसमें कही जाती है। ईखे त्वा तोर्जे ऊर्जे त्वा त्वा वायवः वायवः स देवः देवो वाः वाः सविता सविता प्रार्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय ध्वम आप्याय ध्वम प्याय ध्वम अग्न्याः इन्द्राय इन्द्राय भागम् भागम् प्रजावतीः प्रजावतीरनमीवाः प्रजावतीः प्रजावतीः अनमीवा यक्ष्माः आयक्ष्माः वसेनः तेन ईषत ईषत माघशगुंसः अघशगुंसो ध्रुवाः अघशगुंस इति अघशगुंसः ध्रुवा अस्मिन् अस्मिन् गोपतौ गोपतौ स्यात् गोपतावि गोपतौ स्यात् बह्वीः बह्वीर्जयमानस्य जयमानस्य पशून् पशून् पाहि प्राय
यह क्रम पाठ हुआ। इस प्रकार से संहिता का फल अलग है, पद पाठ का फल अलग है और क्रम पाठ का फल अलग बताया है। भगवान याज्ञवल्क्य ने अपनी शिक्षा में बताया है, संहिता रहते सूर्यम परंच शशिन परम क्रमश्च नहते सूक्ष्मम यत्तत् पदम अनामयम। संहिता पाठ करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है और पद पाठ करने से परंच शशिन परम चंद्रलोक की प्राप्ति होती है और क्रमश्च नहते सूक्ष्मम और क्रम पाठ करने से मुक्ति होती है, अर्थात उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार से तीन संहिता पद और क्रम तीन का अलग फल बदला है। इसके बाद घन विकृति का पाठ इसी मंत्र का होगा। यक्ष्मा मा 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 मा
वसेनो गो मामा वसेना वसेन सेनो गो वसेना ईशते सदसेनो गो वसेना ईशतो सेना ईशते चाहिए तो इसीलिए ये जो वातावरण बिगड़ता है वो इसलिए बिगड़ता है तो जो जिस समय कार्य करने के लिए विधान बताया गया है उस समय वो होता नहीं है। इसलिए ये सृष्टि का जो चक्र है सृष्टि का जो क्रम है वो बिगड़ने जा रहा है। ये इस मंत्र से परिपूर्ति इसमें होती है। इससे पहले वाला जो मंत्र अग्रहित्वा मह्यं वरुणः ददामि जिसके लिए जो काम करने के लिए बोला है वो काम करते नहीं है। आजकल कोई भी अपना अपना कर्तव्य कर्म छोड़ के आचरण अन्य अन्य करते हैं इसलिए भगवान भी थोड़े से परिशुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको जो जो भक्ति चाहिए अपेक्षा चाहिए जैसे यज्ञ है अनुष्ठान है जप है हवन है वो उस मुहूर्त के लिए ही होना चाहिए। मुहूर्त से परे मुहूर्त से हटके यदि हम करेंगे तो फिर वो कालचक्र बिगड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आजकल विदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं अपने भारतीय बच्चे जैसे ब्राह्मण के भी कुछ बालक हैं और उनको छुट्टियां जो है वो अभी रहती है नवंबर दिसंबर के समय और उस समय जनवरी का और शादी का मुहूर्त होता नहीं चातुर्मास में। तो वो लोग कहते हैं पंडित जी अभी तुरंत अभी हमको इतना ही समय है तो इस समय में आप शादी कर डालो जनवरी कर डालो। पंडित जी यदि दयालु भाव रखते हैं बोले चलो कुछ होता नहीं है तब से जब वो पत्थर सी मृदु रहती है ना तो उससे वो करे तो अच्छा लेकिन वो हो गया अकर्तव्य। जिस समय वो कर्म होना चाहिए वो हुआ नहीं इसलिए उसका फल भी है पर उस ढंग से नहीं मिलता है। यही भाव अंतिम मंत्र में कहा आगा कस्मिन् और एक और उपलब्धि अपनी प्रशंसा थोड़ा कर दे रहे
उपलब्धि ये है कि इसी से पठन पाठन हो रहा है पूरे विश्व में, और दूसरे ग्रंथ तो हाथ नहीं लगा रहे, बहुत प्रमाणित हो गए। ये शुक्ल यजुर्वेद के लिए तो मैं इतना 10,000 प्रति पाठ चुका हूँ, बेचते नहीं है। तो ये दक्षिण भारत तक जाके भेज पाता है, तो आप ले लेते जरूर। आपके उदारता से हम लोग भी खड़े, हम लोग भी खड़े। बापू देखो ना, बापू क्या लेना है दुनिया से, लेकिन कितना एक मिनट देव चाहो, ये तो रही है।